बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जाने लगे हैं न्यू स्पिटफील्ड मार्केट, जिसको ज़्यादातर संडे मार्केट बोला जाता है। ये मार्केट ऐसी ही है जैसे पाकिस्तान में सस्ता इतवार बाज़ार लगाया जाता है। यहाँ से आप सस्ती दामों में चीज़ें खरीद सकते हैं, यानी कि सस्ती कीमत में चीज़ें खरीद सकते हैं। और ये बिल्कुल ऐसे ही बाज़ार है जैसे पाकिस्तान में सस्ता इतवार बाज़ार लगता है। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आप दोस्त ने सोचा होगा कि तमरेज़ जब भी वीडियो बनाता है तो आसमान पे बादल होते हैं। आज मैं आपको बताता चलता हूँ कि जनाब ये मैनचेस्टर का वेदर है, आपको धूप कम और बादल ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पर ज़्यादातर बादल ही छाए रहते हैं। तो आज भी मौसम देखें, जब हम घर से निकले थे तो उस वक़्त धूप थी, रास्ते में ये देखें कितने गहरे बादल छा गए। ये देखिए रास्ते में मुझे नए मकान बनते हुए नज़र आए, तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे पहले बहुत बड़ा ग्राउंड होता था, लेकिन आजकल इन्होंने ये काम शुरू किया हुआ है, यहाँ पे इनको कोई भी जगह खाली मिलती है वहाँ पे मकान बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस है यूपी में इस वक्त। ये देखें जी, धूप और छां दोनों साथ साथ। ये सामने आपको फार्मेसी नज़र आ रही है, ये पाकिस्तान की तर्ज की फार्मेसी नहीं, यहाँ पे स्पेशल डॉक्टर होते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, दोबारा से धूप निकल आई है और बादल खत्म, और साथ में बहुत तेज हवा चल पड़ी है। ये सीधा रोड स्मिथफील्ड मार्केट की तरफ जाता है। ये पार्क के रास्ते में आता है, ये भी आपको दिखाते चलते हैं, लेकिन इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा पार्क है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा, हवा देखिए कितनी तेज़ है। बस हम पहुंचने ही वाले हैं। वो जो आपको सामने दरख्त नज़र आ रहे हैं उसके पीछे स्मिथफील्ड मार्केट यानी कि संडे मार्केट है। बस हम पहुंच गए हैं। मार्केट के अंदर अभी देखते हैं कि कुछ दुकानें ओपन हैं या बंद, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, तो चलते हैं स्मिथ मार्केट के अंदर। आप दोनों तरफ देख सकते हैं कि दुकानें बंद हैं, ये कोरोना की वजह से दुकानें बंद हैं, सिर्फ आधी मार्केट लगी है। ये बर्गर लैंड के नाम से इन्होंने गाड़ी के अंदर ही अभी छोटी सी बर्गर की दुकान बनाई हुई है। ये हम इस वक्त पहुंच गए हैं जी संडे मार्केट के अंदर, ये मुख्तलिफ दुकानें लगी हुई हैं। ये देखें आपको यहाँ से फ्रेश फ्रूट मिल सकता है। माशाल्लाह से देखें कितनी खूबसूरत और कितनी फ्रेश स्ट्रॉबेरी हैं। यहाँ से आप जुराबे वगैरह और ग्लव्स वगैरह सस्ती कीमत में खरीद सकते हैं। यहाँ से आप मोबाइल एक्सेसरीज भी बहुत सस्ती कीमत पे खरीद सकते हैं। तो
हेलो जी, अगर तुम बिस्तरे कंबल चाहिए वो भी है। अज यहाँ से आप घर की डेकोरेशन के लिए चीज़ें भी खरीद सकते हैं। ये देखें, घास काटने वाली मशीनें भी दस्तयाब हैं। यहाँ से आप बच्चों के लिए खिलौने भी बहुत ही मुनासिब कीमत पे खरीद सकते हैं। अगर आपको सस्ते शैम्पू साबुन वगैरह चाहिए तो ये शॉप भी मौजूद है जी। इस दुकान से घर की सफाई के लिए हूवर वगैरह भी खरीद सकते हैं। इस दुकान से आप बेड के लिए चादर वगैरह खरीद सकते हैं। ये चिप्स की शॉप भी है जी। यहाँ से आप खाने के लिए डोनर वगैरह, कबाब वगैरह भी खरीद सकते हैं। आप देख सकते हैं कोरोना की वजह से मार्केट काफ़ी क्वाइट है। अब हम दूसरे रास्ते की तरफ से अंदर जाएंगे। इस दुकान से आप बच्चों के पैंट कोट वगैरह, कपड़े वगैरह भी खरीद सकते हैं। ये मार्केट का दूसरा हिस्सा है जी। ये देखिए, पाकिस्तान की तरह इसने जमीन पे पुरानी चीजें लगाई हुई है। ये सामने जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, यहाँ से आप फ्रेश मछली भी खरीद सकते हैं। और अभी मैं आपको स्मिथफील्ड मार्केट की पार्किंग दिखाता हूँ। वो जो सामने आपको नजर आ रही है वो स्मिथफील्ड मार्केट की पार्किंग है। दूसरे रास्ते की तरफ से स्मिथफील्ड मार्केट से बाहर आ गए हैं। हम जाने लगे हैं मॉडर्न शॉपिंग के लिए। हम इस वक्त पहुंचे हैं स्मिथफील्ड मार्केट के बिल्कुल पिछले हिस्से की तरफ। और वो देखें सामने आपको कितना खूबसूरत आसमान नजर आ रहा है। सामने आपको रोड नज़र आ रहा है, उस रोड का नाम है एस्टन ओल्ड रोड, जो सीधा सिटी सेंटर की तरफ जाता है। ये देखें, आपको पाकिस्तान की तरफ के खंभे भी नज़र आ रहे हैं। और जो सामने आपको वाइट कलर का खंभा नज़र आ रहा है वो मोबाइल सिग्नल टावर है। हम इस वक्त पहुंच गए हैं माटा लॉन की कार पार्किंग में। अब हम जाने लगे हैं माटा लॉन के अंदर।
शॉपिंग करने के बाद अब हम आ गए हैं माता रानी से बाहर और जाएंगे घर की तरफ। वाह कितना खूबसूरत मंजर है, वाह सुभान अल्लाह। इस वक्त मौजूद है एस्टन ओल्ड रोड पर, जो एक तरफ मैनचेस्टर सिटी सेंटर की तरफ जाता है और दूसरी तरफ एस्टन अंडर लाइन की तरफ जाता है। दो तीन दिन पहले पेट्रोल की काफ़ी शॉर्टेज थी यूके में, अभी देखें सारा कुछ नॉर्मल हो गया है, अभी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह से ये देखें कितना खूबसूरत रहा था और धूप की वजह से मौसम की वजह से और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाजमी लाइक शेयर और कमेंट्स किया करें। तो इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।